हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। किसी भी टाइप का वेट लॉस का डाइट जो भी आप लोग कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो कि आपके पॉकेट के साथ फ्रेंडली जाए, जो कि आपके बजट का हो, जिसका सामान आपके नियर बाय मिल पाए, जो भी एक ऐसा डाइट जिसमें कुछ भी फैंसी आइटम इंक्लूडेड ना हो, या फिर कुछ ऐसा आइटम जिसको आप बहुत दूर से कहीं से अरेंज करके वापस लेके आ रहे हो और फिर उससे डाइट कर रहे हो, या फिर आपका जो डाइट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड ना हो, ताकि आगे जब आप वेट लॉस कर लो तो मेंटेनेंस में आपको वो चीज़ मिले ना मिले और उसके बाद आपका वेट गेन हो। सो ऐसा वेट लॉस हमें नहीं करना। सेकेंड इज, जब भी आपका मन करता है कि नहीं, मुझे अब वेट लॉस करना है, अब मुझे अपना लाइफस्टाइल सुधारना है और अब मुझे किसी एक पर्सन की ज़रूरत है कि जो मुझे वेट लॉस करा दे, ये थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है सो ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि आप किसी पे डिपेंड हो के अपना वेट लॉस का जर्नी मत करो। ये मैं क्लियरली बोलती हूँ हर बार हर किसी को। आप खुद से अपना बॉडी टाइप समझो, अपने खुद की बॉडी की नीड समझो और उसके बाद जाके आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो। अगर आपका वेट लॉस जर्नी नहीं हो पा रहा, बीच में रुकावटें आ रही हैं, आप नहीं कर पा रहे, तभी आप किसी को अपने लिए अपॉइंट करो कि जो कि आपको हेल्प कर पाए आपके वेट लॉस जर्नी में। बट पहले आप खुद से शुरुआत करो, अपनी खुद की एक बिगनिंग करो, खुद के लाइफस्टाइल में चेंजेस करो और खुद से अपना वेट लॉस का जर्नी स्टार्ट करो। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सोनाली का ट्रांसफॉर्मेशन का डाइट। ये रही सोनाली, और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो कि डाइट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एंड आप लोगों का मन है डाइट करने का, आप लोगों के अंदर से भावना होती है कि हाँ मुझे डाइट करना है, या मुझे पतला होना है, मुझे अच्छा दिखना है, या मुझे फिट होना है, हेल्दी होना है और मुझे अपनी मेडिकल कंडीशंस बिल्कुल ठीक करनी है। सो ऐसी सिचुएशन में जब आप बाकी लोगों को देखते हो और आप सोचते हो यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे डाइट कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, सो इसमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें आपके विल पावर की ज़रूरत है और आपके एक मेंटल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है कि जब आप सोच लेते हो कि जी मुझे तो वेट लॉस करना है, अगला स्टेप क्या होता है। ये एक बहानेबाजी होती है कि किसी को हमें चाहिए, किसी से वेट कम हो जाएगा, उसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। नहीं, आप खुद का बॉडी टाइप समझो, आप खुद की अपनी बॉडी की नीड समझो। नेक्स्ट इज, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ सोनाली का वेट लॉस डाइट। जिन जिन लोगों को शुगर है, जिन जिन लोगों को लगता है कि यार मेरा 20 किलो भी वजन नहीं गिर सकता, 10 किलो भी नहीं गिर सकता, सोनाली ने गिरे हैं टोटल 30 प्लस किलो, आई गेस 35 प्लस के जीज। सो सोनाली का क्या कहना है इसके ऊपर, और जो जो लोग अपने माइंड सेट ये लेके चलते हैं कि यार हम वेट लॉस के लिए सर्जरी करा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इधर का फैट कम कराना है तो कुछ लेज़र ट्रीटमेंट आए हुए हैं, गॉड नोज कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आए हैं, चलो वो ले लेते हैं। सो एक बार सोनाली को सुनते हैं कैसे ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं और उसके बाद हम आगे का डाइट कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, आई एम सोनाली एंड आई एम 37 ईयर ओल्ड। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे दो बच्चे हैं। मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन प्रोसेस से हुए, बट मेरे छोटे बेटे के पैदा होने के बाद में मेरा अचानक से वेट गेन होना चालू हो गया था, और जिसके कारण मुझे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ आने लगे। मैं काफ़ी बीमार रहने लग गई थी, काफ़ी थका थका महसूस करती थी मैं, चलने फिरने में मुझे दिक्कत होती थी, मेरा सांस फूलता था, और मैं इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान रहने लग गई थी, काफ़ी डिप्रेशन में भी चली गई थी। 2018 में मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसके कारण मुझे 3 महीने बेड रेस्ट पे रहना पड़ा और मेरी काफ़ी सारी मेडिसिंस भी चली थी, उसके कारण मेरा और 2-3 किलो वेट बढ़ गया था। देन नेक्स्ट ईयर भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई, तो मुझे पता चला टेस्ट कराने के बाद में कि मुझे शुगर भी हो गया है, और जो बहुत ज़्यादा था। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि ये सब हेल्थ इश्यूज़ आपको ओवरवेट के कारण आ रहे हैं, और आप एक वेट लॉस सर्जरी करा लीजिए जिसका अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इतना बड़ा अमाउंट बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इस वजह से भी मैं काफ़ी डिप्रेस रहने लग गई कि अब मेरी हेल्थ कैसे ठीक होगी और मुझे ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। देन एक दिन मेरी कज़न सिस्टर का फ़ोन आया, मैंने अपने सारे प्रॉब्लम्स उन्हें बताए, और वो सुमन दी की ओल्ड क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे सुमन दी के बारे में सजेस्ट किया, सुमन दी के यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, और मैंने दी के यूट्यूब पर वीडियो देखे। मुझे उनके यूट्यूब पर ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो देखने के बाद में काफ़ी मोटिवेशन मिला। देन मैंने दीदी को मेल किया, मैंने दी को अपनी सारी हेल्थ इश्यूज़ बताए, दी ने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा यही था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद में मैं बिल्कुल हार चुकी थी कि मैं क्या बिल्कुल ठीक हो पाऊँगी या मुझे ऐसे ही ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा। बट दी ने मुझे विश्वास दिलाया कि सोनाली तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देन मैंने डाइट स्टार्ट की,
शुरू में जब मैंने डाइट स्टार्ट की थी तो मेरा ये था कि मैं 7 से 8 किलो वेट लॉस करके अपना और अपनी हेल्थ इश्यूज़ तो ठीक कर ही लूँगी। बट देन मैंने 35 kg वेट लॉस किया है। मैं 95 से 65 पर पहुँची हूँ और मैंने अपनी शुगर भी ठीक करी है, बिल्कुल रिवर्स की है। अब मुझे कोई शुगर का इशू ऐसा नहीं है और कोई भी हेल्थ इशू नहीं है। मैं हेल्थी लाइफस्टाइल जी रही हूँ। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सुमन दी की वजह से। आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। शायद आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेरी हेल्थ कैसे ठीक होती। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री एक मुहिम चलाते हैं स्वस्थ भारत अभियान, मुझे ऐसा लगता है कि सुमन दी भी एक अभियान ही चला रही हैं सबको स्वस्थ रखने का, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही हैं। और मेरे लिए तो आप श्री कृष्ण के समान हो जो इतना साथ देती हैं लोगों का, इतना ध्यान रखती हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीथिंग दी, लव यू। वेलकम बैक जी। सो जिन जिन लोगों का माइंडसेट है कि यार मुझे सर्जरी करा लेना चाहिए या कोई बड़ा सा अच्छा खासा ट्रीटमेंट लेना चाहिए वेट लॉस के लिए, मेरे पास बहुत सारे प्राणी हैं जो सर्जरी करा के यहाँ पे बैठे हैं, लूज़ करने के बाद गेन करके यहाँ पे बैठे हैं। सो सर्जरी के उसमें मत जाना, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो। सो आप जो मैं डाइट आपको बताने जा रही हूँ सोनाली का, उसके कुछ बेसिक रूल हैं। एक बंदा आप कमेंट करके बताना कि किसको आपने अपने लिए अपॉइंट करा है, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी मम्मा पापा, आपके भैया भाभी, आपके हेल्पर, आपका कोई भी एक पर्सन जिसको आप एक बता सको कि आपका डेली का मॉर्निंग का वेट कैसा है और आपने क्या क्या चीटिंग करा या आपने किस तरीके से अपना दिन गुजारा और अपना वेट लॉस का जर्नी जो है वो बिगिन करा। नेक्स्ट इज 8 घंटे की नींद, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। सारी पार्टीज ट्रैवल सब कुछ बंद कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिवाली आ रही है। अब दिवाली सिर्फ 2 दिन की है, अब 2 हफ्ते की पार्टीज करके अपना पूरा डाइट बर्बाद करना और उसके बाद कहना कि ओ माई गॉड एकदम से 7-8 किलो बढ़ गया, वो चीज़ मत करना। सिर्फ 2 दिन की दिवाली होती है, सो मेक श्योर कि सिर्फ 2 दिन ही सेलिब्रेट किया जाए और 2 दिन ही चीटिंग किया जाए, वो भी जस्ट घर का खाना सबके बीच में बैठ के अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करती हूँ मैं पानी की। पानी सिप सिप करके पियेंगे और पानी अच्छे से पियेंगे, 3.5 लीटर, 3.5 लीटर से ऊपर नहीं। इस डाइट को करने के बाद आपको अगर घबराहट हुई या फिर आपको थोड़ा सा भी डिजी फील हुआ, मेक श्योर आप तुरंत अपना शुगर लेवल चेक करो एक्यूचेक मीटर से। आपको पता चलेगा आपका शुगर नीचे गिर रहा है। आपको अपना शुगर को मॉनिटर करना ही है इस डाइट के साथ, धीरे 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 धीरे। 1 महीना 40 डेज के बाद आप अपना HbA1c टेस्ट कराएंगे, वो नॉर्मल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, या जो पहले की रिपोर्ट है उसके हिसाब से वो जो रिपोर्ट है वो कम आएगी, विच मीन्स आपका शुगर लेवल ठीक हो रहा है। और साथ साथ इसके अगर आपको लगता है कि हल्का सा भी डिजी, अपने पास 2 डाइजेस्टिव बिस्किट या फिर एक एप्पल या फिर एक बनाना अपने साथ कैरी करना, क्योंकि हल्का सा भी डिजी होगा आप अपना शुगर लेवल चेक करोगे, अगर वो ड्रॉप है, गिरा हुआ है, 140 से नीचे है या फिर 90 से नीचे है फास्टिंग का, आपने तुरंत एक एप्पल खाना है। नेक्स्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इस डाइट को करने के साथ साथ आपने वॉक करनी है 15 से 20 मिनट डेली, एक्टिव रहना। शाम को करो, सुबह कर लो, अर्ली मॉर्निंग करो, अप टू यू, बट मेक श्योर वॉक करनी ही करनी है। सो अब ये डाइट स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं किचन में बनाते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। ओके जी, सो ये रहे हमारे मॉर्निंग ड्रिंक 2 ऑप्शंस। इसमें मैंने सोक करा हुआ है मेथी दाना और इसमें है पनीर डुब्बा। ये बहुत कड़वा होता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। ये एक हर्ब है, अमेजोन पे मिलता पनीर डुब्बा, और ये है मेथी दाना। बस इसको स्ट्रेन करेंगे और हम एज इट इज़ पियेंगे हल्का गर्म करके। सो ये है हमारा मॉर्निंग ड्रिंक। वेलकम बैक जी। अब हम बात करते हैं नाश्ते की। नाउ नाश्ते के अंदर मैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे दूंगी जो कि आपके घर पे इजीली बन जाएगा और बहुत ही बजट का रहेगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। सो स्टार्ट करते हैं नाश्ते का हम रेसिपीज। पहले हम बात करते हैं नाश्ते में दाल के बने हुए चीले, घिया और बेसन का चिल्ला, मसूर दाल का रैप। यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन मूंगे की दाल का चीला। और उसके अलावा अगर आपको चीले लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आप ब्राउन राइस ले सकते हो, किनुआ खिचड़ी ले सकते हो। किनुआ थोड़ा सा महंगा होता है बट ब्राउन राइस भी आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हो। नहीं तो फिर आप जौ और ज्वार की रोटी, कोई भी आपकी बेसिक सब्ज़ी बनी है घर पर वो आप ले सकते हो। मेक श्योर सब्जियों में आप आलू,
मटर, गाजर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। उसके अलावा इनमें से आप कोई भी एक रेसिपी पिक कर सकते हो अपने लिए और अपने साथ अपने ब्रेकफास्ट में इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके साथ साथ जिन लोगों को मिल्क टी और कॉफ़ी की हैबिट है कि नहीं हमें एक कप दिन का चाय चाहिए नहीं तो सर दर्द हो जाएगा, डेफिनेटली आप ले सकते हो, बट मेक श्योर वो विदाउट शुगर, ना उसमें कुछ आर्टिफिशियल शुगर डालना है, ना ही कोई स्टीविया डालना है, ना ही जैगरी डालना है, ना ही खांड डालना है, कुछ भी नहीं डालना, प्लेन चाय विदाउट शुगर। नाउ अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। मिड ब्रेकफास्ट का टाइमिंग हम रखेंगे 10:30 से 11 बजे। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के लिए हम चलते हैं किचन में। ये है मेरे मिड ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। ये रहे मेरे पास भुना हुआ चना और ये है मेरे पास मुरमुरा। बहुत ही सस्ता मिलता है और बहुत ईजिली हर जगह मिल जाता है ये। सो ये हमारे रहेंगे मिड ब्रेकफास्ट। अब हम बात करेंगे लंच की। लंच हम लेंगे 12:30 से 2:30 बजे के बीच में। 2:30 मैक्सिमम टाइम है, 2:30 बजे से ज़्यादा आप लेट मत कीजिएगा। बहुत सारी सैलड्स मेरे चैनल पे है, अरबी का सैलड है, भिंडी का सैलड है, करेले का सैलड है, पनीर टिक्का है मेरे पास, ग्रीन मूंगे की दाल का सैलड है, येलो मूंगे की दाल का सैलड है, बहुत सारी दालों के सैलड है, हमारे पास ब्लैक चना का सैलड है। आप इनमें से कोई भी सैलड अपने लिए पिक कर सकते हो। मेक श्योर आप दाल का बना हुआ ही सैलड पिक करें, बहुत ही ईजी है। दालें सबके घर पर होती हैं, खीरा प्याज टमाटर सबके घर पे होता है। आप उन सैलड्स को पिक करो और अपनी डाइट में ऐड करेंगे हम लंच में। अब हम बात करते हैं इवनिंग ड्रिंक की। नाउ इवनिंग ड्रिंक में जिन जिन लोगों के पास जूसर है वो लोग बनाएंगे 2 करेले और 2 कुकम्बर का जूसर में जूस निकाल कर पियेंगे। अब जिन जिन लोगों के पास जूसर नहीं है अब वो बेचारे क्या करेंगे, मेरे चैनल पर मैंने टी डाली हुई है, पील टी, अनार के छिलके की टी, या फिर यहाँ पे पाइनएप्पल पील टी। और अगर ये दोनों टी आपको नहीं मिल रही है, ब्लैक कॉफ़ी 1 रुपए वाला ब्रू का पाउच आता है, 1/2 कप गर्म पानी में कॉफ़ी का पाउच डाला और बन गया आपका ब्लैक कॉफ़ी, आप कहीं पे भी पी सकते हो। ये भी पीने का मन नहीं है, प्लेन ग्रीन टी। ग्रीन टी के साथ हम क्या स्नैकिंग मिलेंगे, हम एक खीरा ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ भुना चना ले सकते हैं, और जो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो 2 वॉलनट से 3 वॉलनट सोक किए हुए वॉलनट्स अपनी डाइट में इवनिंग में ऐड कर सकते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं डिनर में। डिनर के लिए जो बेस्ट टाइम मुझे लगता है आपका वो रहेगा हमारे पास 7:30 से 8:30 बजे के बीच में, या फिर आप अगर बहुत ही अर्ली डिनर कर सकते हैं तो वो रहेगा 7 से 8 बजे के बीच में। डिनर के मेन्यू में अब जैसे विंटर्स आ चुकी हैं, मैं चाहती हूँ आप लोगों को देना सूप्स, टमाटो सूप, पम्पकिन सूप, डिटॉक्स सूप, ये सारे सूप्स मेरे चैनल पे है, चिकन सूप, और इन सब के अलावा आप ग्रिल्ड चिकन भी ले सकते हो या फिर एग सैलड ले सकते हो। और अगर आप सिर्फ सूप ले रहे हो देन मेक श्योर आप उसके साथ टोफू ज़रूर ऐड करें। अगर टोफू पनीर आपको महंगा पड़ता है तो आप घर का बना हुआ एक बेसिक पनीर जो दूध फाड़ के हम बनाते हैं ना, वो पनीर आप ले सकते हो 50 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स आप पनीर ले सकते हो सूप्स के साथ। ना सूप पीने का मन ही नहीं है हमारा, हमको नहीं पीना जी सूप। दाल सैलड मेरे चैनल पे रेसिपी, आप दाल सैलड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी खाने का मन नहीं है, हल्दी वाला दूध बिना शुगर का, बिना जैगरी का, आप हल्दी वाला दूध ऐड कर सकते हैं। आप इन सब के अलावा टिक्कीज, बहुत सारी टिक्कीज की रेसिपीज मेरे चैनल पे हैं, एंड उसमें से आप वेजीज कटलेट ले सकते हो, आप चना एंड ओट्स टिक्की भी अपनी डाइट में रात को ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। 9:30-10 बजे के आसपास अगर आप अपनी नाइट ड्रिंक ले लें तो वो सबसे बेस्ट है। नाइट ड्रिंक में हम लेंगे 5 से 6 नीम का पत्ता, ड्राई नीम का जो पत्ता होता है कड़वा वाला, वो च्यू करेंगे, 1/2 कप पानी पियेंगे गरम गरम, और दातुन करके सोएंगे। दातुन, नीम की डंडी आती है दातुन, उसकी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, दातुन करके सोएंगे। बट अगर मान लो आपके आप NRI हो और आप बाहर रहते हो, आपके पास नीम पत्ता ही नहीं है, देन व्हाट, मेथी दाना का टी। मेथी दाना का टी बहुत ही सिंपल है बनाना, 1/2 चम्मच मेथी दाना 2 कप पानी में उबालना है, जब तक 1 कप हो जाए छान के उसे पियेंगे। सो बस यही है ये सिंपल सा डाइट, और ये बेसिक इंग्रेडिएंट है जो आप लोगों के घर पे हैं, और अगर आप इसको 1 से 2 महीने 3 महीने भी चलाते हैं इतने सारे मेन्यू के साथ, आपका इजीली वेट लॉस होगा, आपका शुगर कंट्रोल होगा, आपकी भूख बहुत अच्छे से कंट्रोल होगी, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, और आपको किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को अपॉइंट करने की ज़रूरत है ना, बहुत सिंपल सी चीज़। सो अपनी लाइफस्टाइल पे हम वर्क करेंगे रैदर देन किसी के पीछे भागने के। सो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अब खुद का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाओ और खुद की लाइफ को सेट करो। जैसे जैसे वेट लॉस होगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वैसे वैसे आप करियर में अच्छा करोगे, सेविंग करोगे, और आप सिक्योर फील करोगे। सो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। सो मेक श्योर आप ये डाइट फॉलो करो, वेट लॉस करो, शुगर को कंट्रोल करो, और हैप्पी हैप्पी। सो यार दैट्स इट, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।